देश रहने मुफ्ती सलमान साहब को कोई हमारी मस्जिद में घुस करके मारने की बात करता है तो हम अलल ऐलान ये बात कहते हैं कि अगर अपनी माँ का दूध पिया होगा, अपने बाप की औलाद होगा तो मस्जिद में आ करके बताए। मालेगांव शहर में AIMIM की ओर से नितेश राणे के बयान और वक्फ बोर्ड सुधारना बिल के खिलाफ धरना दिया गया, जिसमें AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल ने नितेश राणे के मस्जिद के बयान पर कहा कि आप मस्जिद में घुसकर मारने की बात करते हो, हम घुसने वाले के हाथ काट देंगे। उसी तरह उन्होंने नबी की शान में गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वाले के बारे में कहा कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले की सजा इस्लाम में हाथ काटना है, मगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहां संविधान का कानून चलता है। ये धरना मालेगांव शहर के शाहिद स्मारक पर दिया गया, जिसमें AIMIM के सभी पद अधिकारी शामिल थे। सभी ने नितेश राणे को निशाना बनाया। हम हिंदुस्तानियों के अपने वजूद का, जिसे हम वक्फ की अमलाक से ताबीर करते हैं। अभी आपने ये बात सुनी कि इस मुल्क में 10 साल के अरसे में मुसलमानों को तालीमी, समाजी और इक्तसादी और सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए वक्त की हुकूमत में जो इकदाम किए हैं, जो कवानीन बनाए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कानून जो इस वक्त लाने की और नाफिज करने की, मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है, वो वक्फ तरमीमी एक्ट है। औकाफ सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक हैसियत रखता है। इस्लामी कानून में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहानत की सजा कत्ल है। हम हिंदुस्तान में मजहबी हुकूमत नहीं है और हमें हमारी शरीयत ने कानून हाथ में लेने से मना किया है। हम कानून हाथ में नहीं लेते, यही वजह है कि हम FIR रजिस्टर कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। हम अपने मुतालबे को मनवाने के लिए हुकूमत वक्त के चीफ मिनिस्टर हो, दीगर मिनिस्टर हो और कानून के जिम्मेदारान हो, उनके पास दुहाई देते। हम कानून हाथ में नहीं लेते, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा उठे और हमारे आका की शान में गुस्ताखी करे। कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर कानून के रखवाले इंसाफ से काम नहीं लेंगे तो जाहिर बात है ये आग हमारे घर से बढ़ करके आपके घर तक भी आएगी। और अगर इस तरह कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की हिमायत में कुछ टिल्लू किस्म के लोग और कुछ बटलर जैसे लोग आ करके अगर इस तरह की बात करते हैं कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुस घुस करके मारेंगे, इन ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनू, ये दीवाने की बढ़ है। वो जमाना लद गया जब खलील मियां छलांगों से फाख्ते मारा करते थे। हम तो बर्जस्ता ये बात कहते हैं कि हम किसी के गिरेबान तक हाथ नहीं ले जाते, लेकिन अगर कोई हमारे गिरेबान तक हाथ लाना चाहेगा वो हाथ काट देंगे। और अगर कोई हमारी मस्जिद में घुस करके मारने की बात करता है तो हम अलल ऐलान ये बात कहते हैं कि अगर अपनी माँ का दूध पिया होगा, अपने बाप की औलाद होगा तो मस्जिद में आ करके बताए। मस्जिद में अपनी मर्जी से आ सकता है लेकिन मस्जिद से निकल करके जा नहीं सकेगा। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है और हमारा ईमान हमको मौत से नहीं डराता। हम तो मरना शहादत समझते हैं और मरने के बाद अगर मरने वाला दुनिया में वापस आने की तमन्ना करेगा तो वो शहीद होगा जो जन्नत से भी दुनिया में वापस आने की तमन्ना करेगा। इसलिए मौत से हम नहीं डरते, हम तो जान हथेली पर लेकर के चलते। ये बात आज यहाँ से बताई जा रही है कि हम लोग सोए हुए नहीं हैं। और मैं ये बात कहता चलूं कि मुसलमानों के खून में हुक्मरानी है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मुसलमान सब्र कर रहा है और हम इनको दबा रहे हैं और इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इनकी मस्जिदों पर इनके वक्फ के इमलाक को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 तलाक NRC जैसे जो है बिल और कवानीन ला रहे हैं और मुसलमान कुछ नहीं कर रहा है,
तो हाँ अभी मुसलमान कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जिस वक्त अगर हम अपनी दौड़ में आ गए तो तुम तारीख उठा करके देख लेना, हमारे खून में हुक्मरानी है। हम अगर इस दौड़ में अपने आप को ला लिए तो हुकूमत करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम इस वजह से खामोश हैं कि एक गंगा जमुना तहजीब है, एक जो है मिलनसार तहजीब है, हम एक दूसरे को ले करके चल रहे हैं, एक दूसरों के साथ कारोबार कर रहे हैं। हमें जो है किसी को ना दबाना है, ना किसी पे हुकूमत करना है, सब लोग मिलजुल करके एक साथ रह रहे हैं, खुशहाली का माहौल है। अगर कोई बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करेगा तो फिर ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम हिंदू राष्ट्र करना चाहते हो, कर लो, 10 साल नहीं लगेगा, इंशाल्लाह 10 साल में मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। अगर तुम ख्वाब गफलत में हो कि तुम एक तरफा हुकूमत कर सकते हो, तो तुम पहले हमारी तारीख को पढ़ लो, मिस्र से लेकर के हिंदुस्तान तक, सऊदी अरब से लेकर के हिंदुस्तान तक, किस तरीके से हम लोगों ने हुकूमत की है। लेकिन आज हम जो है मिलजुल कर रहना चाहते हैं, हम किसी को दबाना नहीं चाहते। और आगे अगर तमाम लोग जो है जो हमारे मुखालिफ हैं, अगर वो इसी तरीके का रवैया इख्तियार करेंगे, तो फिर हमारे पास भी तंजीमें हैं, हमारे पास भी उलमाए किराम है, हमारे पास भी एजुकेटेड लोग हैं, हम भी मंसूबा बना सकते हैं, हम भी प्लानिंग कर सकते हैं, हम भी जो है अब हथियार उठा सकते हैं, हम भी जो है लोगों को घुसकर मार सकते हैं। लेकिन हम इस चीज पर नहीं जाना चाहते, हम हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत से रहना चाहते हैं। चमन में इख्तलाफ रंग बूसे बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम यही चाहते हैं कि तमाम फूलों जो फूल हैं अपनी अलग अलग खुशबू से हिंदुस्तान के गुलिस्तान को महकाते रहे, और नहीं तो हमारे अंदर जो खुशबू है इंशाल्लाह हम पूरे हिंदुस्तान में वो खुशबू फैला सकते हैं। अगर किसी को आजमाना है तो अभी हम समझा रहे हैं, वो समझे, और अगर नहीं समझता है तो इंशाल्लाह हम भी जो है तैयार हैं।